आज का जो टॉपिक है वो ग्रीन सॉइल में रोज़ पे है। तो रोज़ पे मेरे है ना, अभी मेरे पास 12 गुलाब हैं। तो 12 गुलाब पे लास्ट सैटरडे मैंने बहुत काम किया है, 12 के 12 गुलाब पे, क्योंकि ये जो पॉट थे ये मेरे सबसे पहले पॉट थे और इनमें जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ठीक नहीं था। तो मैंने सारे रोज़ को बाहर निकाला, उनकी रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग करने के बाद उन्हें अच्छे से फीड किया, उन्हें खाना दिया, और मुश्किल से आज चौथा या पांचवा दिन है और पांचवे दिन का रिजल्ट मिलने लगा है। देखिए, नई नई शूट दिखने लगी हैं, और एक में नहीं, सभी में। जैसे मेरा ये ग्रीन रोज है, ग्रीन रोज में भी देखिए कितनी सारी शूट दिखने लगी हैं, छोटी छोटी ना, ये देखिए छोटी छोटी कितनी सारी शूट दिखने लगी हैं। ये मेरा ब्लैक रोज है, ये मेरा येलो शेडेड में है, ये देखिए। मतलब मुझे लगाता है बड्स पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि एक दो रोज़ पे, जैसे ये ऑरेंज मेरा रोज़ है, इसकी बड्स देखिए कितनी बढ़िया, अभी 1.5 इंच की तो बड्स है सिर्फ इसकी, तो रोज़ देखिए कितना अच्छा खिलेगा। तो मुझे लगाता है बड्स लटक जाएंगी, और लटक भी गई थी एक दो ना, पर इन्होंने सर्वाइव किया और अच्छे से अभी ये ग्रोथ करने लगे हैं। जैसे मेरा मिनीचर रोज़ था, इसमें भी छोटी छोटी जगह ना रो दिखने लगी हैं शूट ना। ये मेरा वाइट रोज़ की कटिंग थी, पर मुझे लगेगा नहीं चलेगा, ड्राई हो जाएगी हाथ लगे। ये मेरा टाइगर रोज़ है, टाइगर रोज़ में भी देखें नई नई छोटी छोटी शूट दिखने लगी हैं। तो रोज़ पे जो ये मुझे काम करना पड़ा ना, ये इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि कुछ गुलाब मेरे पास 2 साल पुराने थे, जिनकी रूट बिल्कुल बाउंड हो चुकी थी, और कुछ गुलाब मेरे पास नए थे। तो मैं नहीं चाहता था कि वो ओवर वाटरिंग या फिर पानी होल्ड होने की वजह से ख़राब हो जाए। जो पुराने रोज़ थे वो तो सर्वाइव कर जाते, क्योंकि उनका जो रूट सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, पर जो नए वाले थे वो काफ़ी चांस था कि वो मर जाते। तो अभी जब मैंने रिपोर्टिंग की ना, रिपोर्टिंग करने के बाद इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, और फरवरी में जो मैं इन पर गुलाब खिलेंगे वो बहुत अच्छे खिलने वाले हैं। जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही उसकी ग्रोथ होने लगेगी, और जिस पे गुलाब नहीं आ रहे उस पे गुलाब आने लगेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग का थोड़ा असर तो नज़र आया था, जैसे ये बड्स अभी भी स्ट्रेस में है, लटकी पड़ी है थोड़ी सी, इसमें जान नहीं है, और ये पेटल गिलने लगे। आज मैं इसकी कटिंग कर ही दूंगा, क्योंकि अब ये बचेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए कितने पेटल अभी गिर रहे हैं मॉर्निंग में, काफ़ी काफ़ी स्ट्रेस में एक दो गुलाब गया था मेरा, पर मुझे लगता है अब ठीक है। ये देखिए मेरा मिनीचर रेड है, ये बहुत ही डेंस इसकी ली पेटल होती हैं, ये देखिए कितना, और बहुत हार्ड ही रहता है इसके। लॉन्ग लाइफ, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ मेरा जो गुलाब खिलता है ना वो यही वाला खिलता है, एक बार खिल गया तो बहुत दिनों तक तो खिलता है। वैसे अभी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, पर ये बहुत छोटा छोटा खिलता है और बड़ा सुंदर लगता है। ये जंगली टाइप का है थोड़ा सा गुलाब ना। तो अभी मैं इसकी ट्रिमिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की और एकदम से मैं ट्रिम कर दूँ तो ठीक नहीं रहेगा। या तो मैं इसे पहले ट्रिम कर देता 15-20 दिन पहले, अब मैं इसे कम से कम 10 या 15 दिन बाद ट्रिम करूँगा, क्योंकि इसकी 2 ब्रांचेज जो लंबी लंबी जा रही है इनको मैं हटा दूँगा ऐसे। अगर आपके पास भी गुलाब होंगे तो अभी आप ये काम कर लीजिए, जिसकी रिपोर्टिंग करनी हो कर लीजिए, क्योंकि फरवरी में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और जब फरवरी में गुलाब देंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे गुलाब देंगे। वैसे अब बात की जाए कि रूट सिस्टम में मैंने क्या क्या डाला है, तो मैंने इनका जो रूट बॉल होता है वो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा था इनका, थोड़ा सा मेरे पास एक छोटी सी आ रही है, मैंने उससे इस तरीके से काटता हूँ कि रूट जो रूट बॉल हो उसको डैमेज ना हो। तो मैंने इसमें NPK डाला था और सी वीट डाली थी, 2 चम्मच सी डी वीट डाली थी, 2 चम्मच NPK डाला था, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाला था, और आधी चम्मच ब्रोन डाला था, और मैंने कैल्शियम डाला था इनमें। तो इन सब के बाद, और नाइट्रोजन मतलब जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देखिए मेरी मिट्टी देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितना ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट है इसमें। बहुत अच्छी मैंने फीडिंग दी हुई है इनको गोबर खाद की। तो अब देखते हैं इनका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलेगा। वैसे मुझे लगता है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और लास्ट टाइम में एक दिक्कत और हो रही थी, जो मुझे रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो इनका ये ग्राफ्टेड पोर्शन है ये नीचे चला गया था, क्योंकि जब ये मैं लेके आया था तब ये यहाँ था, और फिर और खाद देते 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 ये यहाँ तक चला गया था। मैं अगर इसमें फंगस लग जाती, इसमें कुछ हो जाता, तो समझ लीजिए मेरा गुलाब ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता, क्योंकि ये तो जंगली पोर्शन है और ग्राफ्टेड पोर्शन ये। तो मैंने इन्हें सबको थोड़ा सा ऊपर करके लगाया है ताकि ये खाद से या मिट्टी से किसी भी चीज़ से दूर रहें। देखिए जैसे इसका भी ग्राफ्टेड पोर्शन ऊपर है, इसका भी ग्राफ्टेड पोर्शन ऊपर है, और ये मैंने कटिंग से चलाया था, तो इसका तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो इसका मदर प्लांट था वो मैंने किसी को दे दिया है। और जैसे ग्रीन रोज है, ये भी कटिंग से चला हुआ है, तो जो कटिंग से चले हुए हैं उनका कोई मैटर नहीं करता, पर जो ग्राफ्टेड पोर्शन वाले हैं वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखने चाहिए। देखिए जैसे ये भी ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये भी मैंने ऊपर रखा हुआ है, जितने भी ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ऊपर ही रखे मैंने। तो आप भी अपने गुलाब में जल्दी से फरवरी आने से पहले काम कर लीजिए, उसके बाद आपको ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है।